शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप शिरडी के राजा हैं, यहाँ सब कुछ आपके नियंत्रण में है। ये अशांति सिर्फ तब तक फैलने देते हैं जब तक हम उस साई को शिरडी से बाहर नहीं कर देते। एक बार वो पाखंडी शिरडी से बाहर हुआ, उसके बाद आप शिरडी के राजा लोगों के बीच में जाकर उनके सारे मनमुटाव दूर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा? आप शिरडी के राजा के साथ साथ शिरडी के महानायक बन जाएंगे। चारों तरफ एक ही चर्चा होगी। जो काम वो साई नहीं कर सका, वो कुलकर्णी सरकार ने कर दिखाया। कुलकर्णी सरकार, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमने शिरडी में कितना समय, कितना धन निवेश किया है, और अब जब सूद समेत सब वसूलने का समय आ गया है तो आप घबरा रहे हैं। ये वक्त तो जीवट से काम लेने का है। और फिर आप चिंता क्यों करते? मैं हूं ना, मैं गवर्नर साहब के पास जाकर अपनी तारीफों के पुल बांध दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने में आपकी क्या भूमिका रही। मुझे पूरा यकीन है कि खुश होकर गवर्नर साहब आपको एक दो क्या तीन चार गांव और दे देंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, बड़े मूर्ख, बड़े नासमझ हो सरकार। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। पानी सर के ऊपर जा चुका है। जैसी हालत शिरडी की हो गई है, उसे अब कोई नहीं बदल सकता। और कल सुबह तो शिरडी में ऐसी आग लगेगी जिसे ना तुम बुझा पाओगे ना वो साई। वो देख रहे हो, वहां से शुरू होती है शिरडी। तुम चारों कभी भी एक साथ नजर नहीं आओगे। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। और ध्यान रहे, किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। शिरडी में हमेशा चौकन्ने रहना। काम जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, काम आपकी उम्मीद से पहले ही हो जाएगा। जानता हूं, तभी तो तुम लोगों को यहां लाया हो। अब जाओ, काम पे लग जाओ। एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कुआं हिंदुओं के इलाके में है, अब पानी कहां से लाएंगे? वाकई में ये तो बहुत बड़ा मसला है। क्या घर में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है? आज का दिन तो निकल जाएगा, लेकिन कल का क्या? और बाकी लोगों को भी तो पानी चाहिए। कैसे नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, खाना बनाना, साफ सफाई कैसे करेंगे सब? सारे
सारी सब्जियां खत्म हो रही हैं, सारा सामान भी खत्म हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या करें। और ये बाजार भी तो मुसलमानों के इलाके में है। तुम सब्जी बेचते हो ना, तो ये सब्जी की परेशानी फिर? हाँ, लेकिन मेरा ठेला मंडी में है और घेराबंदी की वजह से हम ला भी नहीं सकते। वही नहीं, मेरे पास तो आज के लिए सब्जी नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज हमारे घर से तुम्हें सब्जी मिल जाएगी, ठीक है? आज तो किसी ना किसी तरह सबका काम चल जाएगा, लेकिन कल का क्या? इस परेशानी को हमेशा के लिए हमें दूर करना ही पड़ेगा। हाँ, एक दिन की बात नहीं है ये, हमें इंतजाम करने ही होंगे। उन काफिरों से दोबारा दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, ज्यादा से ज्यादा हमें तकलीफ ही होगी ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन पानी का क्या करेंगे, कोई भी कुआं एक दिन में नहीं खोद सकता। ठीक है, हम शिरडी के बाहर वाले कुएं से अपने पानी की जरूरत को पूरा करेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सही कहा आपने हरिबहू, पास वाले गांव से सब्जियां सामान लाएंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। आप सब तैयार है ना भाई लोग? सब एक साथ जाएंगे। उन एहसान फरामोशों के सामने हमें गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसके लिए जो भी जरूरी है हम करेंगे। लगता है यही एसआई नंदलाल ने जैसा हुलिया बताया था बिल्कुल वैसा ही है। और नंदलाल ने इसी से सावधान रहने के लिए कहा था हमें। रुको, कौन है आप लोग? आज से पहले तो कभी नहीं देखा आपको शिरडी में। अरे साईं, आपने हमें पहचाना नहीं? हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, ये बात हो रही है कि हम आपकी द्वार का मेहमान में कभी नहीं आए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आ गए हो तो मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शिरडी में अच्छी नीयत से रहोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि शिरडी में गलत काम और गलत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनो जी, रोज रोज दुकान जाकर सामान लाने में बहुत समस्या होगी। मैं तो कहती हूँ एक हफ्ते का सामान एक बार में ही ले आते हैं, वही अच्छा रहेगा। मुझे भी लगता है, तो चलो साथ में चलते हैं। आइए। हम लोगों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे ये मुसलमान लोग, अगर इन्हें और ढील दी गई तो पता नहीं क्या करेंगे।
गांव में इलाके का बंटवारा तो कर दिया और क्या करें ऐसे लोगों के लिए। इन लोगों की वजह से हम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें चैन से नहीं रहने देना चाहिए, इनके लिए ना मुश्किलें पैदा करनी चाहिए। मैं दिखाता हूं कैसे। इनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जान की तरफ पत्थर फेंकने की? मेरा मटका फोड़ दिया, बदतमीजी की हद हो गई अब तो। रहने दो मरियम, तमीज भूल गए हैं ये लोग। अरे इन लोगों को तो एक औरत के ऊपर पत्थर फेंकते हुए भी शर्म नहीं आई, इतने गिर चुके हैं ये लोग। अरे इन लोगों के मुंह लगेंगे तो हमारी ही इज्जत जाएगी। अरे हाँ हाँ, कौन तुम्हारा मुंह देखेगा? मुंह देखने के लायक तो हो क्या तुम? औकात बताता है, औकात तेरी है। एक औरत ये तुम लोगों बचा। अरे तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे क्या कुछ? अरे भाई लोगों, निकल यहाँ से। मैंने इन लोगों के पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ईमान नहीं है इनके पास। आपके कपड़े गंदे किए हैं उन्होंने, आप उन्हें सबक सिखाए। ये लीजिए और बता दीजिए उन्हें कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। नहीं, साईं कहते हैं हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। चुपचाप ऐसे ही सहते रहिए इन लोगों के जुल्म। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, अगर इनको जवाब नहीं दिया गया तो कल इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग? हम खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे, उन्हें ये भी गवारा नहीं? अरे उन्होंने भाभी जान के ऊपर पत्थर मारा, खुदा का शुक्र है मटके पे लग गया। अगर भाभी जान को लगता तो हम चुप नहीं रहेंगे, हमें बदला लेना होगा उनसे। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहां की मर्दांगी है? ये नामर्द है, मारो इनको। नामर्द कहता है गद्दार? एहसान फरामोश अभी दिखाते हैं मर्दांगी। एहसान फरामोश शास्त्री जी, वैसे कितने दिन तक रुकने वाले हैं हम इस गांव में? एक दिन भी नहीं। ये कागजात इस गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार को दे देंगे और बस निकल पड़ेंगे। कुलकर्णी सरकार को एक नए गांव का प्रबंधन देने की सिफारिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने की है, उसी के कागजात है ये।
कुलकर्णी सरकार की शिरडी पर बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने जिस प्रकार से शिरडी में शांति और सद्भाव बनाए रखा है, उसको देखते हुए ब्रिटिश प्रशासन उससे बहुत खुश है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? आगे रास्ता रुका हुआ है। शास्त्री जी, ये तो पूरा गांव ही झगड़ रहा है। चलो देख क्या आते। आगे मत दिखा मुझे। ए भाई, क्या हो रहा है ये सब? और किस बात पे तुम लोग इतना हो हल्ला मचा रहे हो? हो हल्ला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हालत बद से बदतर हो गया इस शिरडी में। हम हिंदू लोग उन मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते। ये घेराबंदी देख रहे हैं ना आप, हमने इसीलिए बनाई है। अब शिरडी हमेशा ऐसी ही रहेगी, दो हिस्सों में बटी हुई। अरे शास्त्री जी, हम यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो जल्दी। क्या हो रहा है कुलकर्णी सरकार? आप यहाँ घर पर चैन से बैठकर आराम कर रहे हैं और लोग वहां पे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। कौन समझाएगा उनको? हरिओम, ऐसा बिल्कुल नहीं है शास्त्री जी। मैं गया था समझाने उन्हें, मैंने रोका भी था उन लोगों को। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब पूछ लीजिए आप। हाँ शास्त्री जी, सरकार ने तो बहुत कोशिश की। तो अब आप ये कहना चाहते हो कि आपके गांव वाले आपकी ही बातें नहीं सुनते? वो छोड़िए, आप यहां किस लिए आए हैं वो बता दीजिए। तीसरे गांव के कागजात देने के लिए। ये दस्तावेज पर सरकारी मोहर लग चुकी है। हरिओम हरिओम, ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है कुलकर्णी जी। यहां की स्थिति देखने के बाद मुझे तो ऐसे लगता है कि आपसे शिरडी ही नहीं संभल रही है जी। जो आंखों के सामने हो उसे संभालना सीखो कुलकर्णी सरकार। अब रहा सवाल तीसरे गांव का, तो ये दस्तावेज तो मैं आपको नहीं दे सकता जी।
प्रशासन के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें आपके तरह अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब शिरडी की इस परिस्थिति के बारे में मुझे ब्रिटिश अधिकारियों को सूचित करना होगा। तो वहां से जो निर्णय होगा उसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शास्त्री जी सुनिए ना, देखिए मुझे कुछ अवसर तो दीजिए, कुछ समय तो दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आप शास्त्री जी, इस रत्नाकर के चक्कर में मुझे चक्कर आने लगे हैं। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया ना तो वही बात हो जाएगी, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर आ गए। सुनो, मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। मत लड़ो तुम लोग,